हम आपके लिए लाए हैं दुश्मन को तबाह करने का टोटका। आज भी लोग अपने दुश्मन को वश में करने के टोटके अपनाते हैं। वे चाहते हैं मेरा दुश्मन मेरे से हार जाए, लेकिन कई बार वे लोग अपने दुश्मन को तबाह करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि उनके पास दुश्मन को तबाह करने के लिए कोई भी असरदार टोटका नहीं होता। लेकिन आप अब चिंता ना करें, आज हम आपको इस वीडियो में उसी असरदार टोटके के बारे में बताएंगे जो आपके दुश्मन को तबाह करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप चाहते हो सच में अपने दुश्मन को तबाह करना, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और टोटके की एक एक विधि को अच्छे से समझें, ताकि इस टोटके को करते समय आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। दुश्मन को तबाह करने के कुछ विधि। दुश्मन को तबाह करने के लिए आपको इन सभी विधि को पूरा करना होगा। पहली विधि, दुश्मन को तबाह करने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार या मंगलवार जा सकते हैं और मंदिर में ही सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए गुड़ एवं कच्चे चने का भोग लगा सकते हैं, जिसको पाठ के समाप्त करने के बाद आप गरीब दुखियारों में बांट सकते हैं। दूसरी विधि, दुश्मन को तबाह करने के लिए शनिवार के दिन उड़द की दाल के 101 दाने और चावल के 408 दाने लेकर एक गड्ढे में दबा दीजिए और उसके ऊपर एक नींबू निचोड़ दें और नींबू निचोड़ने से पहले उस नींबू पर दुश्मन का नाम लिखकर उस पर 7 बार फूंक मारें, फिर उसे काट कर निचोड़ दें और साथ ही साथ उसके ऊपर वो चाकू खोप दें जिससे नींबू कटा था। तीसरी विधि, दुश्मन को तबाह करने के लिए एक कागज में उसका नाम लिखिए और कागज को जला दीजिए और उसमें 2 लौंग डाल लीजिए और राख को ठंडी होने के बाद एक नींबू पर उस राख को लगा दीजिए और इसमें एक कील आर पार कर दें। 24 घंटे इसे अपने पास रखें और दूसरे दिन इसे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। दोस्तों, इन तीनों टोटकों को करने के कुछ दिन बाद आपको खबर मिल जाएगी कि आपका दुश्मन तबाह हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि ये टोटका करना आपके लिए मुश्किल है और इस टोटके को आप हमारी गुरु मां कृष्णमूर्ति जी से भी करवाना चाहते हैं या फिर आप कोई जल्दी काम करने वाला आसान टोटका जानना चाहते हैं, तो बिना देर के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।